गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम कनिका और मैं हूँ उत्तराखंड में। अगर आपने अभी मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो गाइस, अभी मैं उत्तराखंड में हूँ और कुछ दिन के लिए यहीं रहने वाली हूँ। तो अभी मेरे को कहीं जाना है घूमने फिरने के लिए, बट अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर में कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ। ऑल्सो आई विल शेयर कि मैं कैसे कैसे अपनी डाइट मेंटेन कर रही हूँ, कैसे कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल यू नो फॉलो कर रही हूँ उत्तराखंड में ही। तो अभी मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों के लिए हूँ, यहीं पे रहने वाली हूँ। और गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ उसका अगर आपको प्रॉपर्टी टूर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। जो प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ, इट्स अ होम स्टे एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ है मेरी बालकनी से। तो अगर आप चाहते हो ऐसा कोई वीडियो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी मैं जाती हूँ और करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। और आज जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून। तो गाइज, आई एम ऑल सेट टू गो। तो गाइज, अभी मैं हूँ कटारमल सूर्य टेंपल पे। बहुत ही प्यारा टेंपल है, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है ये। और इसका जो रास्ता है बिल्कुल, उसने मुझे वैष्णो देवी की यात्रा की याद दिला दी। काफ़ी स्टीप है बट जो भी है वर्थ है यहाँ पे आना, बहुत ही सुंदर जगह है और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है तो आपको यहाँ से पूरा यू नो वैली व्यू मिलता है। तो अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो तो यहाँ पे आना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आप अल्मोड़ा साइड आ रहे हो तो। दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ होम स्टे पे और अभी मैं कर रही हूँ अपना लंच। और मैं ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके मैं लोकल फूड ही खाऊं, जितना हो सके लोकल फूड ही मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, पहाड़ी खाना ही मैं खा रही हूँ। तो गाइज, अभी मैं खा रही हूँ पहाड़ी भट का डुबुक। भट होता है सोयाबीन, होता है सोयाबीन की जो दाल होती है वो ब्लैक वाली सोयाबीन होती है, उसी को पीस के डुबुक बनता है। तो वो अभी मैं खा रही हूँ और साथ में है आलू के गुटके और राइस है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कितनी कितनी क्वान्टिटी मैंने ली है। तो मैं लोकल फूड ही खा रही हूँ बिकॉज एज़ पर रुजुता मैम, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमेशा हमें रीजनल फूड ही खाना चाहिए, जिस भी आप रीजन में हो उस वहीं का खाना खाना चाहिए। इसीलिए मैं लोकल फूड ही ज़्यादातर यहाँ पे खा रही हूँ और अगर मैं खुद से भी कुक करूँगी तो भी मैं सिर्फ लोकल फूड ही खाऊँगी। फ़िलहाल ये जो डुबुक है ये मैंने पास में एक होटल है कुमाऊनी, वहाँ से मंगवाया है।
बट जो भी यहाँ की जो भी सीजनल वेजिटेबल होंगी उत्तराखंड की, मैं वही कुक करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं करती हूँ अपना लंच और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। तो गाइज़ मैं अभी आई हूँ अल्मोड़ा मार्केट से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई वहाँ पर, बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो एक्चुअली मैं एक्सप्लोर करने गई थी, काफ़ी फेमस है अल्मोड़ा का यू नो मॉल रोड पल्टन बाज़ार, तो वहीं मैं देखने गई थी। बट एज सच में कुछ ज़्यादा देख भी नहीं पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, कोई रैली वगैरह चल रही थी वहाँ पे इसीलिए। तो अभी मैं वापस आ चुकी हूँ अपने होम स्टे पे एंड मैं बालकनी में बैठी हूँ और सनसेट व्यू का मज़ा ले रही हूँ। यहाँ से इतना ब्यूटीफुल सनसेट व्यू मिलता है ना, मैंने इससे पहले कभी भी इतना प्यारा सनसेट कभी भी नहीं देखा। तो आई एम रियली इन्जॉइंग हेयर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है और बहुत ज़्यादा ऑफ बीट प्लेस है ये, बहुत ज़्यादा शांति है, कुछ ज़्यादा ऐसे शोर शराबा नहीं है, बस ऐसे ही बालकनी में बैठ के और सामने पूरा जो व्यू है उसका मज़ा लेते रहो। इतना ज़्यादा यू नो पीस है यहाँ पे, जो मुझे लिटरली चाहिए था वो सब है यहाँ पे। तो आई एम रियली इन्जॉइंग हेयर, और आप भी कोई ऑफ बीट लोकेशन ढूँढ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट प्लेस, बहुत ही ज़्यादा शांत सुंदर और क्या क्या वर्ड्स, मेरे को तो वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, इतनी सुंदर जगह है ये, मेरा लिटरली यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ क्या करती हूँ, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगी। और गाइज आप लोगों की कोई भी सजेशंस या फिर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं तो अभी मैं थोड़ी देर यहीं बालकनी में बैठूंगी, थोड़ा चिल करूंगी और फिर थोड़ी देर में डिनर प्रिपेयर करूंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज मैं डिनर में क्या बना रही हूं। आज मैं डिनर में एक पहाड़ी सब्ज़ी है वो बनाने वाली हूं, वो मैं आपको दिखा दूंगी। बट अभी के लिए मैं आराम से बैठ के चिल करती हूं। हाय गाइस, सो अब हो रहा है डिनर टाइम और आज मैंने डिनर में बनाया तुम्होड़, ये एक पहाड़ी सब्ज़ी है, थोड़ी शेप में अलग होती है बट खाने में और बनाने में बिल्कुल घिया की सब्जी जैसी होती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज डिनर में क्या क्या है। उसी के साथ मैंने पहाड़ी खीरे का रायता बनाया है और उसके साथ मैंने ली है 2 रोटी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ डिनर। तो गाइज अब मैं करती हूँ आराम से अपना डिनर और उसके बाद मेरे को थोड़ी एडिटिंग वगैरह करनी है, वो कंप्लीट करके मैं जल्दी सो जाऊँगी बिकॉज़ यहाँ पे जल्दी भी उठना होता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 5:30-6 बजे तक उठ जाऊँ और कल मुझे थोड़े साइट सीन के लिए भी जाना है, तो इसलिए मैं डिनर करने के बाद अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी एंड देन मैं सो जाऊँगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड यू गाइज ऑलवेज कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।